स्पीकर परवेज इलाही ने वारिस मीर पर गद्दारी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने करार दिया कि मारूफ सहाफी और दानिशवर प्रोफेसर वारिस मीर अपनी आखिरी सांस तक एक मुहिब वतन पाकिस्तानी थे और उन्हें एक वजीर की जानिब से गद्दार करार देना तमाम पाकिस्तानियों की तौहीन है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने यह बात साबिक सूबाई वजीर और नून लीग के MPA खलील ताहिर सिंधु की जानिब से प्वाइंट ऑफ आर्डर पर दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि वजीर इत्तला'आत फ़ियाज़ुल हसन चौहान ने वीडियो बयान में निहायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वारिस मीर को गद्दार करार दिया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने वजीर इत्तला'आत के बयान पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि वारिस मीर एक मुहिब वतन दानिश्वर थे। उन्होंने वजीर कानून राजा बशारत को हिदायत की कि वो फ़ियाज़ुल हसन चौहान के वारिस मीर मुखालिफ बयान के मामले को देखें और प्रोफेसर वारिस मीर मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए असम्बली में करारदाद पेश करें। दूसरी जानब विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी अपने एक ट्वीट में कहा कि प्रोफेसर वारिस मीर को गद्दार कहने वाला जाहिल और तारीख से नाहल हो सकता है। वारिस मीर की जमहूरियत, खवातीन के हुकूक और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए जुदोजहद उन्हें मुमताज करती है।